लग रही है इसके लिए तो मैंने दिखाया, मैंने देख तेरी फ्रेंड की फोटो आई मेरे को एक्सप्लोर में, साड़ी अच्छी लग रही है कि वो अच्छी लग रही है? स्लिम और क्या लग फिट रही है? एकदम ज्यादा हॉट। ज्यादा वीडियो देख पहले कैसी थी, कितनी पतली थी और अब देख कितनी फिट हो गई हो। फिट हो गई हो? आपको बड़ा पता है कि कैसे फिट होते हैं, क्या फिट लड़की लोग का रहता अरे है? तो यार कितनी, मतलब आप चैटिंग भी करते हो? अरे दिखा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू प्रैंक। तो आज की वीडियो में मेरी वाइफ के साथ, मतलब आर्मी के साथ में करने वाला बहुत ही खतरनाक वाला प्रैंक। गाइस खतरनाक तो है पर वो उसके लिए नहीं, आज खतरनाक है मेरे लिए। मैं आज इतना खतरनाक प्रैंक करने वाला, उसको आज मैं करूंगा जेलेक्स। अबे साले, मतलब जेलेक्स जेलेस करने वाला आदमी, उसको इतना गंदा जेलेस फील कर रहा हूँ। मतलब उसकी फ्रेंड्स के बारे में किसी भी अननोन लड़की की प्रोफाइल खोल के उसको दिखाऊंगा कि देखिए कितनी अच्छी लगती है, कितनी हॉट लगती है, कितनी अच्छी इसकी पर्सनैलिटी है और कितनी अच्छी ड्रेसिंग सेंस। मतलब कुछ भी बोल के उसको इतना इतना जला डालूंगा, इतना उसको जेलेस कर डालूंगा कि वो जल के पूरी आग बबूला हो जाएगी। पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं व्लॉग के प्रैंक के बाद मेरा खात्मा नहीं कर डाले। बचाओ बचाओ। तो गाइस आज मैं करूंगा बहुत खतरनाक जेलेसी प्रैंक। तो किसके लिए गाइस, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और जो भी चैनल पे हमारे नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। और हाँ गाइस, जो भी हमारा वीडियो देखता है प्रैंक, मतलब ब्लॉग जो भी देखता है, पूरा एंड तक देखा करो। आप लोग बीच में से थोड़ा सा देखते हो स्किप कर देते हो, थोड़ा सा देखते हो स्किप कर देते हो। गाइस के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखा करो, जब जब भी आप लोग को और ज़्यादा मजा आएगा। तो इसके लिए बस वही आपसे बोलना चाहता हूँ, देखते हो वीडियो तो गाइस पूरा देखा करो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी किया करो, वीडियो को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो और कमेंट में बता दिया करो आगे कौन सा प्रैंक करूँ क्या नहीं करूँ, सब आपको आप हमको बता देगा मैं करा करूँगा। और अभी अनामिका अंदर बैठी है, अंदर टीवी देख रही है वो, तो मैं सोचा फटाफट बाहर में घूमना कि छोटा सेकंड टूर दे देता हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फटाफट फोन में किधर सेट कर देता हूँ जिसको दिखे नहीं किधर भी कोपरे ओपरे किधर कोने वीने में, और फटाफट उसको बुलाता हूँ, देख सकते क्या रिएक्शन देगा। चलो फिर गाइस फटाफट करते कैमरा सेट, 3 2 1। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया एकदम अच्छे से, जो आना मेरे को, मतलब मेरी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि मैंने कैमरा कहाँ छुपाया। और आज मैं कर रहा हूँ बाहर रूम में प्रैंक, क्योंकि अंदर 2-3 बार कर लिया था, उस देख लेगी यहाँ कि मैंने कहाँ फ़ोन छुपाया। इसके लिए आज मैं कर रहा हूँ बाहर रूम में प्रैंक, जो वो समझ नहीं पाया कि मैंने कहाँ फ़ोन छुपाया। मैंने फ़ोन छुपा दिया अभी यहाँ पे कोने में टीवी के पीछे, मतलब तो अभी फटाफट यहाँ पर बैठ गया तैयारी में, मैंने ले लिया मैंने लैपटॉप फटाफट, अभी खोल के अंदर बैठ गया लैपटॉप को और किसी भी लड़की को चालू, मतलब दिखाता हूँ किसी की भी आईडी ओपन करके, उसको बुलाता हूँ उसके फ्रेंड किसी की भी आईडी ले आके और देखते उसका रिएक्शन क्या रहेगा। अभी अंदर बैठी है टीवी देख रही है और बाबू भी बहुत नाटक कर रहा है, उसको थोड़ा लेके बैठी है, अभी उसको आवाज़ देकर बुलाता हूँ फटाफट और देखते उसका क्या रिएक्शन देता है। चलो फिर करते फटाफट प्रैंक स्टार्ट। अनामिका क्या कर रहे, 2 मिनट इधर आना। A few moments later. अरे आजा, कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट आना, थोड़ा अर्जेंट है कुछ दिखाना है। क्या है? अरे बैठ ना, बाबू कितना परेशान कर रहा पता है। हाँ बैठ बैठ, बैठने का टाइम। अरे कुछ दिखाना तो तेरे को यार, 2 मिनट बैठेगी ये देख, 2 मिनट। इसको जानती है लड़की को? ओह नो, जानती हूँ। अरे तो तेरी स्कूल फ्रेंड है, इसके लिए पूछ रहा, जानती है इसको? मेरी स्कूल फ्रेंड है तो जानती होंगी ना। मैं बोला स्कूल छोड़ के इतना साल हो गया, टाइम हो गया, तो क्या पता भूल गई हो, जानती है इसको? तो अभी देख इसकी फोटो बरोबर और देख कुछ देखो इसमें नजर आ रहा है कुछ, मतलब कुछ अलग लग रहा है देख के। आपको नजर आ रहा होगा, मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो पागल गलत ही, मतलब इसने क्या वेयर किया है देख, कुछ कुछ मैचिंग मैचिंग कुछ हो रहा है। मैं पागल, इसने तेरे से देख सेम साड़ी पहनी है, तेरे पास भी नहीं साड़ी? हाँ, जो अभी तूने बाद में पहनी थी ब्लैक कलर की, देखो चमकी चमकी वाली दिखेगी शादी में, है ना, देख सेम वैसी साड़ी इसके पास भी। अबे देख तेरी फ्रेंड है, मैं तेरी फ्रेंड यार, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, बस मैं दिखा रहा हूँ तेरी साड़ी इसने वेयर की, देख। हाँ तो साड़ी और दुनिया में और नहीं रह सकती मेरी जैसी? रह सकती है, पर मैं बोल रहा हूँ देख किसने साड़ी पहनी थी, कितनी अच्छी लग रही है वो। अबे साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और साड़ी पहने तो, उसने साड़ी पहने तो वो भी अच्छी लग रही है, अभी तो उसके ऊपर साड़ी अच्छी लग रही है।
अच्छी लग रही है इसके लिए तो को मैंने दिखाया, मैंने देख तेरी फ्रेंड की फोटो आई मेरे को एक्सप्लोर में, साड़ी अच्छी लग रही है कि वो अच्छी लग रही है। इंसान अच्छा लगेगा जब तो उसके ऊपर कपड़ा अच्छा लगता है। नॉर्मल सी बात है ना कि वो अच्छी जब तो उसके ऊपर साड़ी अच्छी लग रही है। यही सब देखते रहते हो क्या इसमें घुस के आप? अबे तेरी फ्रेंड आई थी, मैं से चेंज कर रहा था फेसबुक ने इंस्टा ओपन कर दिया। अनपढ़ थोड़ा कभी चला है फेसबुक इंस्टा का फर्क नहीं पता तेरे को? मैं ज्यादा ये सब चीज यूज नहीं करती। अच्छा, फालतू की। तो एक्सप्लोर में आई थी तो मैं बोला तो तेरी फ्रेंड स्कूल की, तो मैंने दिखाया देख तेरी सेम साड़ी इसने पहनी है, वो बता रहा था देख। तो ऐसे कैसे एक्सप्लोर में आ गई? आप क्या देखते रहोगे जब तक? नहीं यार, ऐसे आई थी तेरे फ्रेंड, तो मेरे फ्रेंड तू मेरी फ्रेंड है, तेरे सजेशन में तेरे फ्रेंड मेरे सजेशन में दिखाएंगे ना, तो वैसे आया था तो मैं वही देखा, मैंने सेम तेरी साड़ी पहनी है इसने। तो मेरे फ्रेंड आपके सजेशन में क्यों आएंगे? आते हैं, मैं तेरे को फॉलो करूंगा तो आते। आपके तो फ्रेंड नहीं आते मेरे सजेशन में? देख यार अच्छी लग रही है वैसे, जब स्कूल टाइम में थी जब थोड़ी सी वैसी लगती थी पर अभी अच्छी लग गई, अच्छी लगने लगी है, मतलब पहले तो थोड़ी सी लगती थी पर अभी ज्यादा सुंदर लग रही है। और ज्यादा इतराओ मत समझे ना, पागल कुछ बता रहा हूँ देखना। और एक बात तेको भले बुरी लगे, थोड़ा दिमाग ठंडा रख, कुछ ऐसे गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। कौन सी वे में बोल रहा हूँ? साड़ी अच्छी लग रही नहीं है। तो तेरी फ्रेंड, तेरी फ्रेंड है तो क्या मेरी फ्रेंड है तो ऐसे किसी की तारीफ कर दे किसको अच्छा, हमको कोई हीरो हीरोइन अच्छी लग रही है और हमको उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा है, फिर वो अच्छा हम बोलते ना कि कितनी अच्छी हीरोइन कितनी अच्छी लग रही है। तो वैसे नॉर्मल एक बात होती कि देख साड़ी इसने पहनी कितनी अच्छी लग रही है साड़ी में ये, और बस एक बात मैंने नोटिस की है बस, तो बुरा मत मानना वो मैं बोल रहा हूँ तेरे को, कि कपड़े कितने भी अच्छे पहन लो पर इंसान उस लायक मतलब वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी रहनी चाहिए कि उसके ऊपर कपड़े अच्छे लायक। अरे मतलब एक बात बोल रहा हूँ पागल यार तू, ज्यादा बनो मत समझे ना, इतनी जेलस क्यों हो रही है तू? जेलस क्यों हो रही है? मैं ऐसे बोलूँ? ऐसे तो मैं आपके लिए भी बोल सकती हूँ ऐसे कि मैं किसी लड़की को ऐसे निकाल के बोलूँ कि वो लड़की के ऊपर चीज अच्छी नहीं लग रही है आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, ऐसे क्या बोला तूने? वो लड़की के ऊपर चीज अच्छी नहीं लग रही है आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, ऐसे आपके ऊपर वो चीज ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, दूसरी लड़की के ऊपर अच्छी लग रही है। हाँ तो अच्छी लग रही, अच्छी लग रही होगी फिर। बाबू देख ले तेरे बाप के लक्षण देख ले। मैं तो जेलस नहीं होऊंगा उस बात से, मैं जेलस नहीं होऊंगा, पर बस मैंने एक बात बोली है कि ये साड़ी तो फिर उसी से शादी कर लेते थे, मेरे से क्यों शादी करी आपने? अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना जब अच्छी नहीं लगती थी वो लड़का भी रो रहा है सब बात सुन लग गई, सॉरी 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 लग रही नहीं उसको, उसको बात लग गई तो बाबू जानते। अच्छा माँ का बेटा है बड़ा है ना, मैं बस वो बात बोल रहा हूँ कि वो टाइम पे वो अच्छी नहीं लगती थी, ऐसे बोल रहा हूँ मतलब मैं वो टाइम पे अच्छी नहीं लगती थी और अब कितनी अच्छी लग रही है साड़ी वेयर की, तो और ज्यादा अच्छी लग रही है, आगे सुंदर लग रही हो, ऐसे बता रहा हूँ मैं। है बाबू अच्छी लग रही है देखो तो, मौसी अच्छी लग रही है, मौसी मम्मा ज्यादा बनो मत समझे ना। अरे तो मौसी मम्मा माँ, मौसी माँ होती है ना, देख बाबू बच्चा मारा क्यों मारा मेरे को, फालतू की बात करने के लिए बुलाया था मेरे को? अरे यार मेरे में सजेशन में एक्सप्लोर में आई थी, चल छोड़ जान दे बाबू। ये देख इसको जानती है, पता कौन है ये? ये अपने बाजू में रहती थी लड़की। अरे मेरे बाजू में रहती थी तो क्या भगवान की क्या बात है इसमें? किस किस को देखते रहते हो आप? अबे फ्रेंड है मेरी, फ्रेंड लिस्ट में है तो मेरी फ्रेंड है तो जानता हूँ मैं, पहचानता हूँ तो मेरी फ्रेंड है, मतलब दिखा रहा हूँ कि देख इसने ट्रांसफॉर्मेशन की, इसकी वीडियो डाली है जब पहले कैसे थे कितनी पतली थी, इसकी वीडियो देख इसने डाली है, रील्स डाली देखे तो क्यों दिखा रहे हो मुझे, मैं क्या करूं? आप ही देखते रहो इन लोग को, वीडियो देख पहले कैसे थे कितनी पतली थी और अब देख कितनी फिट हो गई हो। फिट हो गई हो, आपको बड़ा पता है कि कैसे फिट होते हैं, क्या फिट लड़की लोग का रहता है? तो यार कितने 3-4 साल जिम करी मेरे को पता है फिट रहना कैसा रहता है, इसको फिट नहीं बोलते इसको फिट बोलते देख, खा पी के एक जगह पड़े रहो उसको वो ऐसे हो जाते हो, अच्छा ऐसे हो जाते हैं, काम धंधा करो बच्चे लोग बच्चों को देखो, ऐसे रहते जो मेहनत करते फिट रहते हो एकदम, ऐसा हाल ना जब होता है कि शादी के बाद बच्चे पैदा करो फिर उसके बाद घर का काम करो खा पी के एक जगह पड़े रहो, अच्छा उससे तो फिगर बनेगा ही ना, कुछ भी जिम जाओ कुछ भी, ये टाइम शादी से पहले यही काम रहता है लड़की लोग का, खाओ पियो और जिम जाओ अपने फिगर पे, फिगर को मेंटेन करो, शादी के बाद ये सब काम नहीं रहता, शादी के बाद आदमी को देखो बच्चे को देखो घर का काम देखो ये सब काम रहता, समझे ना, काम करो। हाँ वाह ये देख कितनी पतली थी, देख कैसी थी वो देख पहले बेकार सी, ऐसे चाहिए था आपको तो मुझसे शादी नहीं करते थे, अब देख कितनी फिट हो गई उसको देख, कुछ मोटिवेट हो उसको देख के थोड़ा सीख, मुझे भी जिम ज्वाइन करवाओ मैं भी हो जाऊंगी ऐसी, कितनी अच्छी लग रही है वो, तू भी देखेगा देख कितनी अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, बोलो मत समझे ना अच्छी लग रही है, लग रही है हां अच्छी लग रही है बाबू बोला अच्छी लग रही है, लड़का भी देखेगा लड़का के, अबे तो क्या कोई गंदा थोड़ी दिखा रहा हूँ लड़का का क्या दे असर पड़े, नॉर्मली लड़की की फोटो वर्कआउट किसी जिम की वीडियो देख कितनी अच्छी फिट, तो आपको शर्म नहीं आ रही शादी शुदा हो आप समझे ना कि नॉर्मली लड़की की फोटो दिखा, मैं सिर्फ बैठूंगी लड़की, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई लड़के की फोटो दिखाऊंगी तो आपको कैसा लगेगा,
तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा उसको देख के, हां भाई इसकी अच्छी बॉडी, मैं भी मोटिवेट हो गया इसकी, मैं भी बॉडी बनाऊंगा, इतनी अच्छी बॉडी बनाई है इसने। तो पता नहीं क्यों जेलस हो रही है यार उसको देख, कितनी फिट, कितनी अच्छी, कितनी हॉट लग रही है, कितनी वो लग रही है, मेंटेन का बॉडी है उसकी, पर्सनालिटी देख कितनी स्लिम और फिट एकदम हॉट। बनो मत ज्यादा, बाबू हॉट हॉट लग रही है, हॉट है, हॉट से शादी कर लेती थी ना फिर। अरे वाला अभी लग रही हो इतनी अच्छी, तो बोल रहा हूँ तारीफ कर रहा हूँ उसकी यार। बाबू नहीं बाबू हटो, ऐसे नहीं करते, गंदी बात, वीडियो हट जाएगी ना फिर अपन देखेंगे कैसे इसको, है ना। हाँ गंदी बात, जान दे चल, दिखाया था तेरे स्कूल की फ्रेंड आई थी, फिर मेरी फ्रेंड आ गई तो उसको मैंने दिखा दिया। मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, आपके बड़े फ्रेंड है अभी तक भी। ओह नो, जब भी फोन लेके चुपचाप बैठे रहते हो कोने कोने में देखने के लिए, किस किस को देखते रहते हो आप? मैं नहीं दिखाऊंगा। लड़की आ गई तो लड़की को देख के आंख बंद कर ले, इंसान ही ना वो भी एक, कुछ गंदा थोड़ी देख रहा हूँ, कुछ बात अलग, कुछ गंदी चीज देख रहा हूँ मैं। और मैं देखूँ ऐसे लड़कों को बैठ बैठ के, तो तेरे फ्रेंड रहेंगे तो देख सकते, तो उसमें कौन सी बड़ी बात, तेरे फ्रेंड देख सकती हूँ ना, तेरे फ्रेंड मैं दिखाऊंगा। हाँ देख, मेरे को तो कुछ जेलस नहीं होगा, मुझे जेलस फील नहीं होगा। पर तेरे को क्यों जेलस फील हो रहा है, तेरे स्कूल की फ्रेंड दिखा रहा हूँ। अरे तेरी फ्रेंड मेरी फ्रेंड, तो मैंने उसकी फोटो देख ली तो क्या होगा, तेरे से साड़ी पहने घर दीदी को दिखा दिया मैंने, और अभी ये मेरी फ्रेंड है, मतलब हमारे बाजू में दीदी अभी शिफ्ट हो गई है, बाजू कल्याण में शिफ्ट हो गई है, तो उसकी मैं उसके आए, मेरे तो आजू बाजू के कोई दोस्त नहीं बने। अच्छा काफी बड़ा आजू बाजू की फ्रेंड बन जाती हूं। बाबू नहीं गंदी बात, अभी देख क्या हो गया इसमें, जैसे पता रहता ना तो आदमी से शादी नहीं करता यार। क्यों गलत वे में ले रही हूँ पावर, नॉर्मली फ्रेंड्स को भी एक दूसरे देख सकते हैं, थोड़ी कुछ गलत वे में देखता है कोई भी। तो ऐसे की फिगर बहुत अच्छा है इसका, बहुत हॉट है, इसकी साड़ी क्या लग रही है, ऐसा कोई औरत को भी जज करते तब तो लगता है ना। तो वो जज करता हूँ ना मैं किस चीज में, तो अच्छी लगती तो बोलता जब अच्छी लग रही है, पर अभी वो तेरे से ज्यादा अच्छी लग रही थी इसके। हाँ बाबू, हाँ बाओ, वो देख कितनी अच्छी लग रही थी वो साड़ी में, और इसको देख उसने मेंटेन कितना अच्छा कर रखा है, इसकी बॉडी देख, इसकी हाइट देख, तेरी तो इतनी सी हाइट है तो ऐसे हो रही है मोटी सी, और उसको देख कितनी अच्छी फिट हो रही है, मोटी है मोटी तो मेरी से हो रही है। हाँ हाँ चल रहे चल रहे, चलो अंदर जाओ आप और मम्मा जाओ, मैं आ रहा थोड़ी देर में, ठीक है जा इसको लेके जा, मैं आ रहा हूँ। बाबू तू भी तेरे बाप बाबू, मैं आ रहा थोड़ी देर में, आप चलो अंदर। मालूम है ना बाप ऐसे ही फिर लक्षण करने वाले हैं देख के, इसलिए बेटा भी उठा के लेके जा रहा है अंदर। चलो चलो तुम लोग अंदर चलो, मैं थोड़ी देर में कुछ काम है, किसी को कुछ देख के ज्यादा क्या है ना, साथ में चलो, लड़का लेके चल रहा है ना, साथ में चलो अंदर। अरे अरे चलो मैं तुम लोग को अंदर सुला के फिर वापस आके बैठना, मुझे काम है लैपटॉप। वापस नहीं बैठोगे आप, समझे ना। क्यों क्यों बैठ हो गया, सोने का टाइम नहीं दिख रहा, कितना टाइम हो रहा है। और तो मेरा कुछ काम है इसके अंदर अभी। क्या काम है, लड़की लोग को देखोगे बंद करके वापस चुपके चुपके? अरे यार लड़की लोग को देख लिया तो क्या हो गया, क्या बात करते, लड़की लोग को देख लिया तो क्या हो गया, फ्रेंड्स है कुछ अननोन लड़की से, ऐसे कैसे फ्रेंड्स है, ऐसे तो मेरे भी फ्रेंड्स है, मैं तो बात अलग है ना। बच्चा कैसे रो रहा है, रोएगा ही ना बाप की हरकत देख के। किसी अननोन लड़की को देखो तो बात अलग है, मेरी फ्रेंड को देखा मैंने, तेरी फ्रेंड को देखा, उसके पास साड़ी अच्छी लगी, उसकी बॉडी उसने मेंटेनेंस अच्छी करी, वर्कआउट जिम उम करके अच्छा लगा मैंने अंदर चले। अरे झगड़ा क्यों कर रही है, पर तू लड़ाई हो रही है इसी बात पे, इतना जेलस क्यों हो रही है, इतना जेलस क्यों हो रही है, तो खुद भी अच्छे से हो ना, हो रही है धमक ला ली। अरे लैपटॉप बंद, कुछ काम मेरे को अभी, इसमें लैपटॉप रख। क्या काम है आपको? अरे चलो लैपटॉप से मशीन है, ठीक है इसमें वो काम रहता है, काम का लैपटॉप में वो एडिटिंग सब करनी पड़ती है, इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, रात रात भर बैठ के इसमें एडिटिंग करने पड़ती है मेरे को, तेरे हो गया है आज के ना, बात मत कर लेना मुझसे, समझे ना, ज्यादा ही बन रहा है। और चलो अंदर सोने के लिए, चलो चलो चलो। अरे कुछ काम है मेरे को इसके अंदर अभी यार, अभी और भी लड़के लोग को देखना बाकी रह गया क्या आपका? तो डिलीट तो कर दूं, क्या डिलीट कर दूं, मतलब आप चैटिंग भी करते हो? अरे हाँ हाँ, क्या लैपटॉप पे कभी चलाया लैपटॉप, कभी चलाया लैपटॉप, ऐसे से कर दिया इसको, चला ऐसे चलाते लैपटॉप, ऐसे चलाते कभी चलाया लैपटॉप? हाँ मैंने तो देखा भी नहीं लैपटॉप कैसा होता है, वो बात तो सही, पहली बार देख रहा था लैपटॉप, पहली बार देख रही हूँ सब। हाँ भाई बंद करो, चलो सुन, समझे ना, नाटक मत करो ज्यादा। अबे इतना क्यों जलस हो रही है तू पर यार, बाबू चल रहे बेटा, मम्मा को मारो, अंदर चलो बोल रहा है।
शर्म नहीं आ रही होगी लड़की के ऊपर भी, क्या असर पड़ेगा यार, फ्रेंड्स है मेरे, तेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स, ऐसे तो ऐसे जज करोगे कि वो ऐसी लग रही है, वो ऐसी लग रही है वो। चलो 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 चलो। तो गाइस अभी मैं प्रैंक इधर ही एंड करता हूँ, और कैसा लगा आप लोग को मेरा प्रैंक कमेंट कर दिया। जब पोल खुल जाती है ना, फिर प्रैंक का ही बहाना करते हो आप लोग, कर दिया प्रैंक का बहाना। इधर बैठ दो कैमरे दिखा दो, हाँ बैठ दो कैमरे दिखा दो। बाबू चल रहे हैं ना, दो मिनट रुको ना। किधर है कैमरा? उधर से कैमरा हो रहा। किधर? उधर हो रहा। किधर? उधर हो रहा। ज्यादा नाटक मत करो, समझे ना। प्रैंक कर रहा था मैं तेरे साथ में। जब कुछ होता है ना, आपके पोल खुलती है ना, आपके साथ पोल खुलती है ना, तो आप प्रैंक का ही नाम लेते हो, ज्यादा ड्रामा मत समझो ना। तेरे साथ में जेलेसी प्रैंक कर रहा था। जेलेसी प्रैंक कर रहा बाबू, मैं जेलेस प्रैंक कर रहा था मम्मा के साथ में, जेलेसी प्रैंक। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा लगा? बोलो आई लाइक इट। सही में प्रैंक कर रहा था मेरे साथ में यार। नहीं आपकी पोल। तो गाइस आप लोग कैसा लगा मेरा प्रैंक कमेंट करो। कहां है कैमरा? वहां है कैमरा, उधर टीवी के पीछे कोने में साइड में देख। कैसा लगा मेरा मजाक? किसने बोला था ज्यादा कराटे चैंपियन बनने के लिए? ज्यादा बन गए ब्रूस ली अपने आप को, मेरा बस की बात नहीं है सब करना। फोन तोड़ दिया मम्मा ने, छोड़ जाने। चल मस्ती कर रहा था मैं, प्रैंक कर रहा था सब में, जेलेसी प्रैंक था, कुछ भी नहीं। देख आईडी खोल के पागल, मैं देख अभी सर्च किया था मैंने, सब लोगों को अभी निकाला था तेरे को दिखाने के लिए, तो इसके लिए मस्ती कर रहा था तेरे साथ में। तो इसके लिए दिमाग शांत रख, ऐसी कुछ बात नहीं है, तू बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ तेरे को बहुत अच्छा सूट करता है, तू बहुत हॉट है। तो उसकी मम्मी को ऐसे से बोलोगे तो गुस्सा ही करेगा ना। चल छोड़े। तो भाई आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रैंक कमेंट करके जरूर बताना, और इसको मैंने जेलस किया, आपको कैसा लगा इसको मेरे को जेलस करके कमेंट करके जरूर बताना। पहले वाला जब मैंने इसकी फ्रेंड के ऊपर बोला वो ज्यादा खतरनाक लगा, कि दूसरा मेरी फ्रेंड के ऊपर मैंने इसको प्रैंक किया बहुत अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और ये तो फुल सीरियस हो गई थी, मैं रख के निकल गई थी बाहर। सीरियस की बात ना, जब मेरे सामने किसी और की मतलब ऐसे करेंगे ये तो गुस्सा तो आएगा ही ना, और उसकी वजह से मेरे पैर में और इतनी जोर से लगी। चल रहे हैं। तो गाइस चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, अगले प्रैंक, अगले चैलेंजेस के साथ। जब तक के लिए बाय करो, बाय, बोलो बाय 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 बाय।